हेलो फ्रेंड्स, दिस लोकेशन आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल असाइनमेंट। सो आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मोटर्स का टॉपिक, हमारे कितने तरह के मोटर्स होती हैं, उनको क्लासीफाई करना, उनको फर्दर क्लासीफाई करना। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इलेक्ट्रिकल के फील्ड के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हमारे मोटर्स को, इलेक्ट्रिकल मोटर्स को क्लासीफाई करिए। तो आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम क्लासीफाई कर देते हैं मोटर्स को। हमारी मोटर्स होती है तीन तरह की, एसी मोटर्स, डीसी मोटर्स, एसी मोटर्स एंड स्पेशल पर्पज़ मोटर। ठीक है, ये हमारी तीन तरह की हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती हैं। तो इनको और आगे पढ़ते हैं, फर्दर इनको करते हैं, डिटेल में इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमारी थी डायरेक्ट करंट मोटर्स। डायरेक्ट करंट मोटर देखिए, डायरेक्ट करंट डीसी मोटर्स। ठीक है, तो डीसी मोटर्स क्या होती हैं? द मोटर विच ऑपरेट ऑन द डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई पे जो मोटर ऑपरेट होती है उनको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मोटर, डायरेक्ट करंट मोटर। ठीक है, ये हमारी हो गई डीसी मोटर्स। अब इनको और डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारी कितने तरह की डीसी मोटर्स होती हैं। तो देखिए, पहले हमारी आती है डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर, अब शंट से आप क्या समझते हैं? शंट का मतलब होता है पैरलर। ठीक है, शंट और पैरलर दोनों इक्वल चीज़ें हैं। तो मतलब इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसको समझते हैं डिटेल में। डीसी शंट मोटर वर्क ऑन डीसी। ठीक है, डीसी पे काम करेगी, डीसी मोटर तो डीसी पे काम करेगी, हम जानते हैं। एंड द वाइंडिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक मोटर, वाइंडिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक मोटर लाइक द आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग, ये दो तरह की इसमें वाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, आर लिंक्ड इन पैरलर। ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो दोनों वाइंडिंग होती है ये हमारी किस में कनेक्ट होंगी? पैरलर में। ठीक है, तो ये पैरलर में कनेक्ट होने के कारण क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा शंट वाइंडिंग। शंट वाइंडिंग या शंट मोटर। ठीक है, दिस काइंड ऑफ मोटर इज ऑल्सो कॉल्ड शंट वाउंड मोटर। ठीक है, शंट वाउंड डीसी मोटर भी इन मोटर्स को बोलते हैं। वेयर द वाइंडिंग टाइप इज नोन एज शंट वाइंडिंग। इसके वाइंडिंग के बेस पे इस मोटर का नाम रखा गया है। ठीक है, शंट में दोनों कनेक्ट होती है, फील्ड और हमारी आर्मेचर, तो इसी बेस पे हमारे मोटर का नाम रख दिया शंट डीसी मोटर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगला हम देख लेते हैं, हाँ इसका एक बार डायग्राम आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग है हमारी, ये शंट है या फिर हमारी फील्ड वाइंडिंग है। ये देखिए, ये कैसे कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट है हमारी। ठीक है, सीरीज में होती है तो ये यहाँ पे हम सिंपल इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्ट है दोनों एक दूसरे के, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? डीसी शंट मोटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड, अब इसके नाम को बस फोकस करिए आप। सेपरेटली एक्साइटेड मीन्स जिसकी आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों क्या हो? अलग अलग हमारी सप्लाई से काम करे। ठीक है, हमारी आर्मेचर है वो देखिए अलग कनेक्ट है। ठीक है, और जो फील्ड वाइंडिंग हमारी वो हमारी अलग कनेक्ट है डी सप्लाई से। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। देख लेते हैं कि इन सेपरेटली एक्साइटेड मोटर द कनेक्शन ऑफ स्टार्टर एंड रोटर कैन बी डन यूजिंग ए डिफरेंट पावर सप्लाई। ठीक है, दोनों हमारी वाइंडिंग्स को अलग अलग पावर सप्लाई देते हैं, तो वो हमारी कौन सी हो जाती है? सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। चलिए अगला क्या है? डीसी सीरीज मोटर। तो जैसा शंट का केस था वैसे ही सीरीज में क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि शंट में है तो दोनों वाइंडिंग क्या है? तो आपस में शंट में कनेक्ट हो जाएंगी, और अगर ये सीरीज में है तो कैसे हो जाएंगी? है एक ही सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपस में बस ऐसे सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगी। तो सेम केस यहाँ पे हो रहा है कि हमारा ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक है, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, दोनों कैसे कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है एक दूसरे के। ठीक है, तो इन डीसी सीरीज मोटर रोटर वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, दीज मोटर्स आर मेनली यूज इन स्टार्टर मोटर। ठीक है, विच आर यूज इन एवलेटर एंड कार्स। ये क्या होता है? ये जो मोटर्स होती हैं इनका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जो डीसी सीरीज मोटर होती हैं उनका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होता है, तो इनको वहाँ जगह उस जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमारे स्टार्टिंग टॉर्क की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमारे कार्स में, बाइक्स में। ठीक है, और जो हमारी शंट मोटर थी, डीसी शंट मोटर, उनका यूज़ कहाँ पर होता है? जो हम स्टार्टिंग टॉर्क हम डीसी सीरीज मोटर से प्रोवाइड करा देंगे, उसके बाद उसको उस टॉर्क को बनाए रखने के लिए, उस टॉर्क को उतना ही बनाए रखने के लिए हम कौन सी मोटर का यूज़ करते हैं? डीसी शंट मोटर का। ठीक है, डीसी शंट मोटर का हम यूज़ करते हैं अगर स्टॉक को बनाए रखना, और स्टार्टिंग में ज़्यादा टॉक लेने के लिए हम कौन सी मोटर यूज़ करते हैं? डीसी सीरीज मोटर। अगला आता है हमारा पीएमडीसी मोटर, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। तो ये मोटर हमारी कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं?
ये हमारी क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर होती है। इट इज़ वन काइंड ऑफ डीसी मोटर विच कैन बी इनबिल्ड विद ए परमानेंट मैग्नेट। ये क्या होता है, इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट फिक्स होती है कॉइल की जगह, टू मेक द मैग्नेट फील्ड नेसेसरी फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेशन। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारी कॉइल की जगह अंदर एक परमानेंट मैग्नेट फिक्स किया जाता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए अंदर यहाँ कोयल है, ठीक है। कोयल्स के ये जो हमारा रोटर लगा हुआ है, ये कोयल्स कौन से हमारे स्टार्टर की कोयल है, बट ये रोटर है। रोटर के अंदर हमारे क्या है, बार्स लगा रखे हैं कॉपर के, ठीक है। तो हमारे क्या होगा यहाँ पे, ये हमारे इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट होती है, नाम ही शो कर रहा है जैसे परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, ठीक है। तो ये हमारे स्टार्टर की कोयल हो गई और ये हमारे रोटर में बार्स लगा रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। अगला हमारा आता है डीसी कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड से आप क्या समझते हैं, देखिए डीसी कंपाउंड का मतलब है, जनरली डीसी कंपाउंड मोटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी सीरीज एंड शंट मोटर, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, किस किस का, डीसी सीरीज और डीसी शंट मोटर का, दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ मोटर बोथ द फील्ड लाइक सीरीज एंड शंट आर प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होता है, दोनों सीरीज और शंट हमारी क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं फील्ड, ठीक है। सीरीज और शंट दोनों प्रेजेंट होती हैं। इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स द स्टार्टर एंड रोटर कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू ए सीरीज एंड शंट वाइंडिंग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा स्टार्टर और हमारा रोटर दोनों क्या होता है, कनेक्ट होता है सीरीज में भी और शंट में भी, दोनों में कनेक्ट होता है, ठीक है। द सीरीज वाइंडिंग कैन बी डिजाइन विद अ फ्यू वाइंडिंग्स। अब इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारी सीरीज वाइंडिंग होगी, ठीक है, मैंने बताया आपको दोनों वाइंडिंग होगी, सीरीज भी और शंट भी। तो जो सीरीज वाइंडिंग है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमारी फ्यू वाइंडिंग्स होंगी, मीन्स हमारी कॉपर की जो वाइंडिंग कोयल लगाई जा रही है वो फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है। एंड कॉपर्स की जो मैंने बताया कॉपर वायर विच गिव ए स्मॉल रेजिस्टेंस पाथ, जो हमारी क्या होगा, स्मॉल रेजिस्टेंस पाथ देगी, ठीक है। एंड द शंट वाइंडिंग कैन बी डिजाइन विद मल्टीपल वाइंडिंग, जो हमारी शंट वाइंडिंग होगी उसमें हमारी ज़्यादा कोयल्स, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स की रिक्वायरमेंट होगी ऑफ कॉपर वायर टू गेट द फुल इनपुट वोल्टेज, किसके लिए, फुल इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका एक बार डायग्राम देख लीजिए, ये देखिए हमारा, ये हमारा सीरीज में भी कनेक्ट है और ये हमारा पैरेलल में भी कनेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए इस मोटर को डीसी कंपाउंड मोटर बोलते हैं। कंपाउंड में हमारा कि दोनों केस आ जाएगा, इसमें डीसी सीरीज मोटर का भी, डीसी शंट मोटर का भी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा डीसी कंपाउंड मोटर। चलिए अब हमारा दूसरा हमारा आता है एसी मोटर्स। एसी मोटर्स क्या होती हैं, तो एसी मोटर्स हमारी क्या होंगी, हम जानते हैं बेसिकली नॉर्मली हम देखते भी हैं इन्हीं को, एसी मोटर्स आर दोज मोटर विच ऑपरेट ऑन एसी, जो हमारी एसी ऑपरेट होंगे उनको हम एसी मोटर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए एसी मोटर को हम फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं कितने तरह की होती है। तो हमारी पहली आती है सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर को देख लेते हैं क्या होती है। सिंक्रोनस मोटर क्या होती है हमारी, द वर्किंग ऑफ द सिंक्रोनस मोटर मेनली डिपेंड ऑन द थ्री फेज सप्लाई, ठीक है। जो थ्री फेज जो सिंक्रोनस मोटर होती है उनकी जो वर्किंग होती है वो थ्री फेज सप्लाई पर डिपेंड करती है। द स्टार्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर जनरेट द फील्ड करंट, जो इसका स्टार्टर होता है, स्टार्टर जो हमारा होता है सिंक्रोनस मोटर का, उसके अंदर कौन सी वाइंडिंग होती है हमारी, फील्ड वाइंडिंग की हुई होती है, ठीक है। जो रोटर के ऊपर होगी वो रोटर वाइंडिंग होगी, ठीक है, या फिर आर्मेचर वाइंडिंग हम बोलते हैं डीसी के केस में, ठीक है। तो क्या है कि हमारा इलेक्ट्रिक मोटर जनरेट द फील्ड करंट विच रोटेट इन ए स्टेबल स्पीड बेस्ड ऑन द एसी फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए, विच रोटेट इन ए स्टेबल स्पीड बेस्ड ऑन द एसी फ्रीक्वेंसी। तो हमारी जो हमारी सिंक्रोनस मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, कि मतलब इसको हम किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स से यूज़ करते हैं, क्या देख के इसको यूज़ किया जाता है। तो इसकी जो हमारी टॉर्क होती है, या फिर इसको कह सकते हैं कि जो रोटेट होती है, ये बस एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर रोटेट होती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि सप्लाई कम ज़्यादा होगी या फिर लोड कम ज़्यादा होगा तो अपने आप को मंदी तेज कर लेगी, नहीं, एक ही स्पीड से रोटेट करेगी, ठीक है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से हम इसको बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जाता है, सिर्फ वैक्यूम क्लीनर के अंदर यूज़ किया जाता है हमारा, और भी बहुत सारी जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। तो देखिए हमारा क्या है, यहाँ से स्टार्ट से पढ़ते हैं, द स्टार्टर इन द इलेक्ट्रिक मोटर जनरेट द फील्ड करंट विच रोटेट इन ए स्टेबल स्पीड पर रोटेट कराता है जो इसको, ठीक है, ऑन द एसी फ्रीक्वेंसी एज वेल एज द रोटर डिपेंड ऑन द सिमिलर स्पीड ऑफ द स्टार्टर करंट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा इसका रोटर होगा, जो इसका रोटर होगा वो हमारा किसके स्पीड पर डिपेंड करेगा, हमारे स्टेटर के स्पीड पर डिपेंड करेगा,
ठीक है, नंबर इसका रोटर होगा वो स्टेटर की स्पीड पे ही डिपेंड करेगा। दोनों मतलब कोशिश करेंगे कि सेम स्पीड पे रोटेट करने की, ताकि जो इसकी प्रॉपर्टी है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, देर इज़ नो एयर गैप अमॉन्ग द स्पीड ऑफ स्टार्टर करंट एंड रोटर। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पास होगा स्टार्टर से रोटर के अंदर, तो इसके बीच में क्या होगा, बिल्कुल भी एयर गैप नहीं होगा। ठीक है, जिससे हमारे स्लिप जो होते हैं, स्लिप अगर आपको पता नहीं है तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। स्लिप जो होती है एक तरह की लॉस होता है हमारी, हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, तो जो हमारे लॉस होता है वो नहीं होता है इस मोटर के अंदर। ठीक है, कंप्लीट जितना करंट हमारे स्टार्टर के अंदर है उतना ही हमारा रोटर के अंदर चला जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, व्हेन द रोटेशन एक्यूरेसी लेवल इज़ हाई, जब हमारी एक्यूरेसी लेवल हाई हो जाता है तो क्या होता है हमारा, तो एप्लीकेबल इन, तो हमारी इन सारी एप्लीकेशन में काम आ जाती है, जैसे ऑटोमेशन पर्पज़ में, रोबोटिक्स के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर हम सिंक्रोनस मोटर यूज़ करते हैं सेम स्पीड को पाने के लिए, कि हमारा हर लोड पे, हर वोल्टेज पे सेम मतलब हमारा रोटेट करे। ठीक है, तो हमारी सिंक्रोनस मोटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर है, जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में बहुत ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है, तो बस यही इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ये एक सेम स्पीड पे काम करती है। ठीक है, चलिए अगला इंडक्शन मोटर। तो देखिए, इंडक्शन मोटर हमारी बहुत सारी जगह पर आपको फैंस के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंडक्शन मोटर्स होती हैं बहुत सारी हमारी, तो वो उसके हमारी प्रॉपर्टी आपको पहले बता देता हूँ। उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर लोड ज़्यादा है तो अपने उसके लोड के अकॉर्डिंग या फिर वोल्टेज सप्लाई के अकॉर्डिंग वो अपने आपको एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, सप्लाई के अकॉर्डिंग वो अपने आपको एडजस्ट कर लेती है, कम या ज़्यादा अपने स्पीड से घूमने लगती है। तो देखिए क्या लिख रहा है, द इलेक्ट्रिक मोटर विच रन एसिंक्रोनस स्पीड इज नोन एज इंडक्शन मोटर। जो मोटर हमारी एसिंक्रोनस स्पीड मतलब सेम स्पीड से नहीं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से रोटेट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन मोटर। आगे क्या है, एंड एन अल्टरनेट नेम ऑफ दिस मोटर इज ए एसिंक्रोनस मोटर, इसलिए इसको एसिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं। इंडक्शन मोटर मेनली यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो हम जानते हैं कि हमारा किस बेस पे काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है, फॉर चेंजिंग द एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है हमारी क्या काम, और ये करती क्या है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल हमारी एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रिक हमारी सप्लाई देंगे हम उसके अंदर, जब तो वो रोटेट करेगी तभी तो मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देती है। बेस्ड ऑन द रोटर कंस्ट्रक्शन दीज मोटर्स आर क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स। हमारी हमारे जो मोटर की कंस्ट्रक्शन होती है, रोटर जो हमारा होता है, रोटर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से दो तरह की होती है, एक होती है स्क्वायरल केज, एक होती है फेस वाउंड। ठीक है, ये हमारी दो तरह की मोटर होती है, स्क्वायरल केज और फेस वाउंड। ठीक है, हमारी दो तरह की इंडक्शन मोटर्स होती हैं। तो तीसरा आता है हमारे स्पेशल पर्पज़ मोटर्स, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा, तो फिलहाल आप यही याद रखिए बस। तीसरा हमारा स्पेशल पर्पज़ मोटर, इसको अगली वीडियो में आपको डिस्कस करता हूँ, फिलहाल अभी आप यही याद रखिए कि ऐसे में हमारा सिंक्रोनस और हमारी इंडक्शन मोटर्स होती हैं। ठीक है, और डीसी के केस में हमारा डीसी कंपाउंड, ठीक है, पीएमडीसी, ओके, डीसी सीरीज सेपरेटली एक्साइटेड और डीसी शंट मोटर। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंडों से शेयर करिए, ताकि वो इंटरव्यू फेस करने वाले हैं जो आगे, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी हमारी ये मोटर्स की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इसके इसके बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी पूछी जाती है, तो तब तक आपको इसका काम नहीं पता होगा, तब तक आप इसकी कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।